तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो माइनॉर T20 लीग खेली जा रही है, इसका भाई जो अगला मैच खेला जाएगा जो कि खेला जाएगा डेलेस मस्टैंग्स वर्सेज सेटल थंडरबोल्ट्स के बीच में। इन दोनों ही टीम्स की भाई आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना है, और अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना तो ये मेरी गारंटी है भाई इस मैच में आपका लॉस नहीं होने वाला। भाई काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंशियल पिक्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट आपको देख लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ बताऊँगा जैसे जिन प्लेयर्स का सलेक्शन 20-20% है और उनको कोई भी नहीं लेके आएगा स्मॉल लीग में, वो प्लेयर्स आपको एक तरफा विनिंग करवा के चले जाएंगे और आपके ओपोनेंट देखते रह जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी इस मैच की वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर से विजिट कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई इतनी रात को अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप ऊपर एक बार टाइम देख सकते हो, 11:34 ऑलरेडी हो चुके हैं, मैच 1 बजे खेला जाएगा, तो मैच की भी अपडेट आपको देनी है तो 1 बजे तक तो आप मान सकते हो मैं मतलब कम से कम जागूंगा। और उसके बाद भी भाई काफ़ी सारे मैचेज हैं माइनो T20 लीग के, जैसे कि SVS, CST, NJS, MOR, भाई ये इन मैचेज की भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर एक इंपॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो भाई देखिए बार बार बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी छोटी रहेगी क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मेन अपडेट दूंगा, बाकी जो भी फाइनल टीम रहेगी वो हम टेलीग्राम पर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर अगर बात करें दोनों टीम्स की, तो दोनों टीम्स के लास्ट मैचेज एक बार देख लेते कि कौन सी टीम ने यहाँ पर क्या कुछ परफॉर्मेंस दे रखी है, उसी के बेसिस पर भाई टीम बनाने की कोशिश करेंगे और वहीं पर भाई हम विनिंग करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे, यहाँ पर आप देखिए भाई जो डेलस मस्टैंग्स का मैच है वो यहाँ पर आपको दिख गया होगा CST के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर इन्होंने ये मैच एक तरफा विनिंग कर लिया था। अब अगर पहले इनकी बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो साहिब ज़्यादा फरहान है ओपनिंग करने आए थे सुशांत मोडानी के साथ, दोनों ने अच्छी शुरुआत दी। उसके बाद सुजीत गोवड़ा आए थे 1 डाउन, कोरी एंडरसन 2 डाउन आ रहे हैं। इसके अलावा हुसैन तैलत की बात करें तो ये नंबर 5 पर आए थे। इसके अलावा नीचे भी आप देख सकते हो जो नोस्टस केनिंजे, इन्होंने भाई 32 रन बनाकर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी लास्ट मैच में, तो ये आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं GL मिनी GL के लिए। बट स्मॉल लीग के लिए आपको किन्हें ट्राई करना वो भी आपको बताऊंगा, पहले भाई एक बार बात कर लेते हैं जो आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे। साहिब ज़्यादा फरहान और सुशांत मोडानी दोनों आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। सुचित गोवड़ा की बात करें तो अगेन बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस देगा। कोरी एंडरसन भाई जिसके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड का 2nd फास्टेस्ट T20 रिकॉर्ड है, तो भाई आप देख सकते हो प्लेयर काफ़ी खतरनाक है। और यहाँ पर भाई न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते थे पहले, अब पता नहीं यहाँ पर भाई क्लब T20 में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें बॉलिंग की, तो यहाँ पर आप देखिए सुजीत गोवड़ा ने इस मैच में 1 ही ओवर डाला। इसके अलावा भाई यहाँ पर आप देखिए जो नोस्टस केनिंजे, इन्होंने भाई 6 विकेट निकाली थी लास्ट मैच में, 6 विकेट, ठीक है, 4 ओवर में 10 रन देकर 6 विकेट। हुसैन तलेत ने भी यहाँ पर भाई 25 रन दिए, 1 विकेट निकाले। सूर्या सेलवा कुमार की बात करें तो 1 विकेट इन्होंने निकाले। नासिर जामली की बात करें तो 3 ओवर इन्होंने डाले थे। इसके अलावा अदनान हारून ने भी यहाँ पर 3 ओवर डाले और 1 विकेट निकाली थी। अब अगर बात करें भाई सामने वाली टीम की, तो एक बार देख लेते सामने वाले टीम के क्या कुछ परफॉर्मेंस रही है SCT टीम की, तो थोड़ा सा हमें ऊपर चलना पड़ेगा जहाँ पर हमें इनके मैचेज मिलेंगे, तो थोड़ा सा बस हमें ऊपर चलना पड़ेगा, उसके बाद भाई मैं आपको सारी अपडेट अभी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हो जो SOL वर्सेज SCT के बीच मैच खेला गया था, यहाँ पर भाई SCT की टीम ने विनिंग हासिल की थी और काफ़ी इजीली इन्होंने विनिंग हासिल कर ली थी। वहीं अगर बात करें इनके ओपनर्स की, तो अदनान गोसो ओपनिंग करने आए थे, 15 रन बनाए। जेम्स क्रॉसवेट के साथ इन्होंने भाई 55 रन की काफ़ी शानदार नौक खेले। ऋषि भारद्वाज 1 डाउन आए थे, इन्होंने भाई 3 रन बनाए। इसके अलावा एडम क्रॉसवेट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 16 रन इन्होंने बनाए। राहुल सिंह यहाँ पर 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसके अलावा भाई शेल्डेवान्स कैलक की बात तो 1 रन इन्होंने भी बनाया था। वहीं अगर बात करें भाई इनकी गेंदबाजी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो अखिलेश रेड्डी है, इन्होंने भाई यहाँ पर 4 विकेट निकाले। इसके अलावा भाई जो सैडले वान सेवला के, इन्होंने 4 ओवर डाली और 1 विकेट निकाले। हरमीत सिंह जो टीम के कैप्टन है, 4 ओवर में 3 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा राहुल सिंह ने एक ओवर डाला था। रोहन पोसिन पहले की बात करें तो 3 ओवर इन्होंने डाले और इन्होंने भाई यहाँ से 18 ही रन दिए थे और विकेट लेस ये जरूर गए थे। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ से फानी सिंह महाद्री की, तो 4 ओवर में भाई 2 विकेट इन्होंने भी
निकाली थी। अब चलिए भाई बनाते हैं हम अपनी डेमो टीम। अगेन आपको बता दूँ, कुछ भी अगर चेंज आपको करना हुआ तो वो सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एंड्रयू गोयस यहाँ से हमारे लिए मस्ट ऑफ पिक रहेंगे। इसके अलावा दिनेश रामदीन भाई अभी इस लीग में जुड़े हैं, यानी कि मतलब अभी इन्होंने मैच नहीं खेला, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी रिटायरमेंट लेके आए, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। बस मैटर करेगा ये बैटिंग कहाँ पे करते हैं, मोस्टली भाई नंबर 4 पर आने चाहिए, बाकी देखते हैं ऊपर नीचे अगर होता है तो। बैटिंग ऑर्डर जैसे ही मेरे पास आएगा टॉस के बाद मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, इवन डिफरेंशियल सीवीसी की चॉइस भी आप रख सकते हो। यहाँ से अगर बात करें बैटिंग सेक्शन में, तो आर भारद्वाज हमारी टीम में 100% रहेंगे, एस फरहान को हम अपनी टीम में ट्राई करेंगे। इसके अलावा नीचे अगर आप चलोगे तो भाई सुशांत मोटानी, जिनका सलेक्शन सिर्फ 4% है और बहुत ही शानदार प्लेयर है, बैटिंग प्लस एक दो ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, जो ऑफ ब्रेक बॉलिंग है वो भाई ये करते नजर आएंगे आपको। इसके अलावा कोरी एंडरसन मस्ट ऑफ पिक रहेगा, हरमीत सिंह को हम अपनी टीम में ट्राई करेंगे। लास्ट मैच में भाई इन्होंने 3 विकेट निकाले थे, लेकिन ड्रीम इलेवन पर क्या है कि काफ़ी कम मैचेस के यहाँ पर स्टैट्स दिखाए गए, तो इनके पॉइंट्स इतने ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे और यही रीज़न है कि आप इन्हें अपनी टीम में लेके जाओगे। वहीं अगर बात करें सुजीत गोवड़ा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मस्ट ऑफ पिक रहेगा, लेकिन अगर आप ड्रॉप करने का सोच रहे हो तो ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि लास्ट जो मैच था उसमें एक ही ओवर इनसे डलवाया था। हुसैन तलैत वन डाउन बैटिंग प्लस भाई 3 ओवर की गेंदबाजी, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अभी के लिए मैं सुजीत गोवड़ा को भी टीम में ले रहा हूँ। पी सी महादरी लास्ट मैच में 2 विकेट, मस्ट ऑफ पिक रहेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर बात करें एन के निंजे, लास्ट मैच की परफॉर्मेंस आप देखिए भाई, यहाँ पर जो इनकी जैकपॉट परफॉर्मेंस थी ना वो यहाँ पर नहीं दिखा रखी, जहाँ पर इन्होंने 6 विकेट निकाले थे भाई, तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक प्लेयर यहाँ से रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो अदनान हारून को अपनी टीम में रख सकते हो, या फिर अदनान हारून की जगह आप आर पोसेन पेली को भी अपनी टीम में रख सकते हो। तो अभी के लिए जो टीम है वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। अब सी वी सी की बात करें तो कैप्टनसी जो मेरी जाएगी वो यहाँ से भाई कहाँ पे गए भाई, हुसैन तलत के साथ जाएगी। वी सी की अगर बात करें तो भाई एस गोवड़ा को आप लेके जा सकते हो या कोरी एंडरसन को लेके जा सकते हो, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो भाई नीचे जो एन कैनिंजे, इनको भी आप अपने टीम में एज ए वीसी लेके जा सकते हो। अभी के लिए मैं एन कैनिंजे को वीसी ले रहा हूँ, हुसैन तलेत को कैप्टन ले रहा हूँ। फाइनल टीम मेरी जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, बाकी जो भी अपडेट आती है वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।